दोस्तों, क्या आप भी अपना मीशो एप्लीकेशन से, जैसा कि आप देख सकते हैं हम मीशो एप्लीकेशन ओपन किए हैं, आपने अगर मीशो एप्लीकेशन से कोई शॉपिंग किया है और आप चाहते हैं वो ऑर्डर कैंसिल करना चाहते हैं, जैसे कि आपको प्राइस में कोई डिफरेंस मिल रहा है या फिर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है, उसका कलर डिसकलर है या कुछ भी, आपको साइज़ अगर नहीं मिल रहा है, कोई भी रीज़न हो सकता है उसकी वजह से आप कैंसिल करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे कि आपने ऑर्डर कर दिया है, तो आप जैसे ऑर्डर करने के बाद से जब आप उस वाले प्रोडक्ट पर जाते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमने ये ऑर्डर किया हुआ है, अब इसको ऑर्डर करने के बाद से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कहीं भी आपको ऑर्डर कैंसिल करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे रिटर्न करने का ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन जैसे दोस्तों आप रिटर्न पे जाते हैं, उसके बाद से पूछा जाता है कि हैव यू रिसीव्ड दिस प्रोडक्ट, मतलब यहाँ कि आपने अपना ये प्रोडक्ट रिसीव कर लिया है, तो आपके पास अगर रिसीव मतलब प्रोडक्ट नहीं आया हुआ है तो आप ये ऑप्शन जैसे ही सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद से फ्रेंड्स आपको देखने को मिलता है कि रिटर्न एक्सचेंज नॉट अवेलेबल बिफोर डिलीवरी। इसके बाद से फ्रेंड्स आपको कहीं से भी आपको कैंसिल करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप कैसे कैंसिल करेंगे दोस्तों, उसके लिए हम आपको तरीका बताएंगे कि कैसे आप कैंसिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप जब अपने प्रोडक्ट पे आ जाएंगे, जैसे कि आप माई ऑर्डर पे आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं माई ऑर्डर पे आने के बाद से जो भी प्रोडक्ट आपने मंगाया होगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करेंगे, उसके बाद से फ्रेंड्स आप यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद से फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कैंसिल करने का कहीं भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको दोस्तों आपको हेल्प सेंटर पे आपको जाना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि हेल्प सेंटर का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, उसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट इशू आर यू फेसिंग, इस तरीके से मैसेज देखने को मिल रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे दोस्तों दूसरे नंबर पर देख सकते हैं कि कैन आई कैंसिल माई ऑर्डर, इस पर आपको इस तरीके का ऑप्शन मिल रहा है। अब इस पर आपको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद से फ्रेंड्स देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको मिल रहा है कि ये एज़ योर ऑर्डर हैज़ बिन शिप्ड, यू कैन नॉट कैंसिल द ऑर्डर, हाउ एवर इफ यू रिफ्यूज द एक्सेप्ट द प्रोडक्ट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी योर ऑर्डर विल बी ऑटोमेटिकली कैंसिल्ड। इसका मतलब दोस्तों, अगर आप जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ बता रहा है कि आपका प्रोडक्ट कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि आपका प्रोडक्ट शिप हो चुका है, मतलब जो जो सप्लायर था आपका, जो प्रोडक्ट आपको जो है डिलीवरी बॉय को दे दिया है, वो अपना आपका प्रोडक्ट अभी रास्ते में है, जिसकी वजह से आपका जो है प्रोडक्ट आपका कैंसिल नहीं हो सकता। इसके बाद से फ्रेंड्स आप जब यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप जैसे यहाँ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ से चैट कर सकते हैं, कस्टमर केयर सपोर्ट से आप बात भी कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कॉल मी बैक, इस तरीके से ऑप्शन मिला है, इस पर आप क्लिक करके आप कस्टमर केयर से बात कर लेंगे। तो बात करने के बाद से फ्रेंड्स आपको वो सुझाव देंगे कि कैसे आपको प्रोडक्ट कैंसिल करना है। यहाँ से अगर ऐसे भी नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, अगर आपका फोन नहीं लग रहा है, नहीं भी हो रहा है, तो डोंट वरी फ्रेंड्स, जब आप अपना प्रोडक्ट जब आपका प्रोडक्ट जब डिलीवरी बॉय आपके घर लेकर आएगा, तो आप उसको रिफ्यूज़ कर दीजिए, यानी मना कर दीजिएगा कि हम प्रोडक्ट नहीं ले सकते हैं या हमारे पास बैलेंस नहीं है, हमारे पास बैलेंस नहीं है। तो आप उसे जैसे आप जब बता देंगे, तो वो आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिक कैंसिल कर देगा, वो कैंसिल कर देगा आपके, उसके सिस्टम में आपका जो अपडेट हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से मैंने आपको बताया कि कैसे अगर आपका जो प्रोडक्ट कैंसिल होने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो उसको कैसे कैंसिल करेंगे, उसका पूरा कम्प्लीट तरीका बताया। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो देख के अच्छा लगा तो एक लाइक करिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।